तो हेलो दोस्तों, आज हम मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने रिमोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। स्टार्ट अभी अभी किया हुआ है, लेकिन उसको मैंने स्टार्टिंग में मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या यूज़ किया था और इसके कारण मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े। जो यूट्यूब पे देख के हम लोग जो इक्विपमेंट लेते हैं तो वो सब कितने रियल होते हैं, कितने फेक होते हैं। वो अपने प्रमोशन के लिए कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो हम लेके फंस जाते हैं, लेकिन जो चीज़ जिस काम के लिए है उसी काम के लिए यूज़ करनी चाहिए। जो मैंने बताया जो मैंने ये, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टैंड लिया था, इसमें मोबाइल एडजस्ट करने का पूरा सिस्टम है। तो एक वीडियो मैंने देखा था कि यहाँ पे ये माउंट करने के बाद, यहाँ पे मोबाइल ऐसे लगाने के बाद आप वीडियो व्लॉगिंग स्टार्ट, मतलब वीडियो व्लॉगिंग कर सकते हो, मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। तो वही सोच के मैंने ये लिया, और ये 350 रुपये का था, पूरा मेटल का बना हुआ है। तो ये लेने के बाद मैंने माउंट करवाया उससे, और ये थोड़ा पीछे साइड में था तो जिसके करके पूरा रास्ता है वहाँ पे नीचे दिख रहा था। तो मैंने इसे थोड़ा सा खींच के आगे लेने की कोशिश की, जो कि वो टूट गया यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से टूट गया था। तो मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त को मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, तो उसने ये पट्टी यहाँ पे लगा के पूरा माउंट करके मुझे दे दिया। तो उसके बाद मैंने वापस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो स्टार्ट करने के बाद देखा मैंने कि जैसे जैसे गाड़ी हिलती है खड्डे में जाने के बाद, तो ये पूरा हिलते रहता है और वीडियो पूरा शेकिंग वाला आते रहता है, पूरा शेक होते रहता है वीडियो। तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था इसमें, ना रास्ता क्लियर दिख रहा है, ना लोग क्लियर दिख रहे हैं। पूरे वीडियो की वाट लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बांधने के लिए रस्सी से इसको टाइट कर दिया था। उसके बाद भी जो होना है वही हो रहा था, पूरा प्रॉब्लम उसमें वही आ रहा था। जबकि वो लोग ने वीडियो जो बना के मुझे दिखाया था, मतलब यूट्यूब में जो डाला हुआ है वीडियो, तो वो लोग ने पूरा स्लो मोशन में वीडियो बनाया है, फास्ट में कोई भी नहीं। और मोटो व्लॉगिंग होती है फास्ट में, अगर पूरा ही सब पूरा वीडियो अगर स्लो में बनाओगे तो मज़ा कुछ नहीं आने वाला है। तो उसके लिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल करने के बाद हमने लिया ये माउंट, ये जो हेलमेट को लगाने वाला माउंट है ये ले लिया। ये मुझे 400 रुपये में पड़ा है, जिसके वो पीछे एक क्लिप है। ये मैंने उल्टा लगाया क्योंकि ये अगर सीधा लगाते, ये ऐसे सीधा लगाने वाला है, सीधा लगाएंगे तो मोबाइल यहाँ पे मुंह के पास आ जाता है, कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि अपन आधा ध्यान मोबाइल में जाएगा, आधा रोड के ऊपर जाएगा, गिरने के चांसेस है, ठोकने के चांसेस है लोगों को। तो उसके लिए मैंने इसको उल्टा लगा दिया, तो यहाँ पे मोबाइल अभी बराबर रहता है। ये देखिए, इसमें यहाँ से करके मोबाइल चले जाएगा अंदर, और यहाँ पे लेता हूँ, इसमें मोबाइल हम बिठा सकते हैं। और साउंड क्वालिटी क्लियर आनी चाहिए, उसके लिए हमने अंदर एक माइक बिठाया हुआ है जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। ये माइक का नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जो स्पंज दिया था वो लोग ने एकदम नॉर्मल वाला था, तो उसके लिए आसपास का आवाज़ पूरा क्लियर वो खींच रहा था। तो मैंने यहाँ पे माइक बिठा के अंदर से पूरा जो वायरिंग है उसके अंदर डाल दिया। ये निकल गया अभी, तो एक्स्ट्रा वायर जो था मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये वाला जो है, ये जब अपन मोबाइल यहाँ पर लगाएंगे तभी उसके साइड में लगा देंगे। वॉइस क्लियरिटी अच्छी आती है इसमें, अभी भी आपको दिखाता हूँ मैं लगा के। ये दिखे, ये वायर में भी यहाँ पे लगा रहा हूँ मोबाइल में, ये आप सुन सकते हैं मोबाइल का आवाज़। आपको ऐसा लगता होगा कि मोबाइल मैंने पास में लिया है इसके लिए मोबाइल का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि साइड जो माइक है मेरा भी मोबाइल की लेवल में मैंने दूर रखा है, फिर भी आपको आवाज़ क्लियर आता होगा। तो ये सब है जो मोटो ब्लॉगिंग वाले, वो बुलेट से, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन भाई अपने पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन करने की इच्छा है मोटो ब्लॉगिंग, तो उसके लिए हमने अपना डिस्कवर है, ये डिस्कवर से स्टार्ट किया है। जब भी काम पे आता हूँ तो वो टाइम पे इससे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। पीछे 2 वीडियो में हमने देखा है कि आते आते मैंने दिखाया था अमिताभ बच्चन का घर जुहू में, वहाँ पे आने का रास्ता कौन सा है, और शत्रुघ्न सिन्हा का घर, सोनाक्षी सिन्हा का घर कैसा है। ये दोनों भी वीडियो मैंने इसी से बनाए।
तो उसकी साउंड क्लियरिटी देखिए, थोड़ा मैंने एडजस्ट तो आपको साउंड करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा नॉइज़ आता ही है बाहर का, तो आपको ऐप में जाके थोड़ा नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन करके क्लियर करना ही पड़ेगा। और अभी आपको अगर दूसरे कौन सी अनबॉक्सिंग के दो ही वीडियो हमने बनाए हैं, जो ये किसका था और एक माइक का था, ये दो ही वीडियो हमने बनाए हैं। जैसे जैसे हम कुछ ज़रूरत लगेगी तो वो सामान मंगाते रहेंगे। इसका अनबॉक्सिंग नहीं बनाया था क्योंकि ये डायरेक्टली जहाँ पे मैंने गाड़ी का काम करवाया था उसके पास से डायरेक्ट लिया था और डायरेक्ट लगाया था, तो उसके आधे घंटे बाद ही ये टूट गया था, जो प्रॉब्लम हुआ था जो मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नया क्रिएटर हूँ तो दोस्तों हेल्प कीजिए थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू।